अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, राबियास किचन में खुश आमदीद। और आज मैं गर्मियों की बहुत ही ज़बरदस्त और ठंडी ठंडी डिश बनाने लगी हूँ, जिसका नाम है लौकी का रायता। और लौकी जो है वो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी है। वेजिटेबल्स वैसे भी बहुत ज़्यादा खानी चाहिए और गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत को पकड़ती जा रही है, तो इसमें जो है लौकी का रायता जो है वो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहता है, आपके मैदे के लिए अच्छा रहता है। तो देखते हैं कि लौकी के रायते में हम क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स इस्तेमाल करेंगे। नाजरीन, हमने लौकी को जो है स्लाइस कर लिया है, आप देख सकते हैं कि बीच में से कट करके इसे अच्छे से स्लाइस बना लिए हैं इसके। और साथ ही इसमें जाएगा कुटे हुए लाल मिर्च 1 चम्मच, आधी चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 2 पिंच अदरक पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, आधी ले लेंगे 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1 टेबलस्पून जीरा। और याद रखिए कि जीरा इसकी मेन इंग्रेडिएंट है, तो जीरा थोड़ा सा आप ज़्यादा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं खुशबू के लिए। इसी के साथ 1/2 kg दही का हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए बनाते हैं इसकी तरकीब। सबसे पहले एक पैन में 4 से 5 अदद लहसुन के जवे को अच्छी तरीके से सौते कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इस लहसुन के जवे जो हैं वो अच्छी तरीके से गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे जीरा। जीरा को अच्छी तरीके से हम सौते कर लेंगे। हमने ऑयल की जगह मक्खन का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें 4 टेबलस्पून, मैंने 4 टेबलस्पून मेल्टेड मक्खन लिया है। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे हमारी लौकी जो हमने स्लाइस्ड की थी। पैन हमारा छोटा पड़ा था, लौकी ज़्यादा थी, इसलिए हमने बड़े पैन में इसको शिफ्ट कर दिया है। और अब हम इसको जीरे और लहसुन के साथ अच्छे से सौते कर लेंगे। हमारी लौकी जो है वो अच्छे से सौते हो चुकी है जीरा और लहसुन के साथ। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे कलौंजी 2 पिंच। अब हम इसमें हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल कर लेंगे और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। सारे मसाले डालने के बाद जो हमने इसकी अच्छे से भुनाई करती है, अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि स्टीम में जो है लौकी गल जाए और इसका पानी जल जाए। ऑलराइट नाज़रीन, हम देखें कि जो लौकी है वो ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी है और उसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब इसमें हम शामिल कर लेंगे दही, लेकिन उससे पहले आप चूल्हे को कर देंगे बंद, फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देंगे और हम शामिल करेंगे दही। दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया है और इसमें शामिल कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमने फ्लेम कर दिया है ऑफ और इसके अंदर दही जो है वो शामिल कर लिया है। और अब हम इसे तकरीबन 30 सेकंड के लिए कवर रखेंगे ताकि दही और लौकी जो है वो आपस में मिक्सअप हो जाए और फिर करेंगे डिश आउट। ऑलराइट नाज़रीन, हमारा ज़बरदस्त सार लौकी का रायता हो गया है तैयार और बहुत ही चटपटा और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही ठंडी डिश है ये। गर्मियों में इसका इस्तेमाल लाजमी किया करें और ख़ासकर लंच में इसे ज़रूर बनाएं। चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटियों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही मज़े का लगता है और मैदे को बहुत ठंडक का एहसास देता है। तो रायते का ज़रूर इस्तेमाल करें, जैसे कि गर्मी का सीज़न है तो मुख्तलिफ़ किस्म के रायते बनाया करें। मैंने लौकी का बनाया है, अगली किसी रेसिपी में मैं बैंगन का रायता भी बनाऊंगी और इसके अलावा दीगर रायते भी बनाऊंगी जो कि हमारे स्पेशल डिशेज़ है गर्मियों की इंशाल्लाह। तो अगर आपको मेरी रेसिपी आई हो पसंद तो आप करेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन बजाएं।
तो दूसरों के साथ करेंगे शेयर और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं या नहीं, या आपकी कोई भी और नई फरमाइश है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली रेसिपी तक के लिए रखें अपना ख्याल, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगेबान। Thank you.